हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? चलिए और एक बात सुनिए बेटा, रिवीजन कर रहे हैं आप सभी लोग? क्योंकि अब रिवीजन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना? आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिवीजन करना है, प्रॉपरली लिख के रिवाइज करना है, जितना क्वेश्चन कराया मैंने वो करना है, नए क्वेश्चन बनाने हैं अब आपको, ठीक है ना? और सभी के ऐप पर क्वेश्चन भी हैं, है ना? बुकलेट आपको मिला है, उसमें थ्योरी भी है, एक्सरसाइज भी है। आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे फिर एक्सरसाइज भी मिलेगा, एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और अब बेटा हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सेल पढ़ा रहे थे। पहले सेल वाला कंसेप्ट मैं चाह रहा था ख़त्म कर लूँ ना, जिससे कि कहीं भी क्वेश्चन आए, मिक्स्ड आता क्वेश्चन, तो सेल वाले क्वेश्चन भी साथ में बन जाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बेटा, कल आपको पढ़ाया था कि अगर डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल हो रहा, बेटा देखिए ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार रिव्यू ले रहे हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल मैंने कल पढ़ाया था आपको बेटा। एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल में कल मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई सेल यूज़ में लोगे, यानी जब कोई सेल करेंट सप्लाई देगा, है ना? देखिए ये सेल है, ये EMF है, ये इंटरनेस्टेंस है, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब बेटा यहाँ पर हम लोड रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, लोड रजिस्टर कह लीजिए या एक्सटर्नल रजिस्टर, अगर आप ये कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर करंट सप्लाई होगा, करंट सप्लाई होगा। और मैंने आपको कल ये समझाया था कि टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल मतलब सेल के, देखिए सेल यूज़ में आ रहा है ना, ये कैसा सेल है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है? तो हमारा आंसर है सर नॉन आइडियल है। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं बेटा, ठीक? तो यहाँ पर बेटा ये सेल करंट सप्लाई दे रहा है, एनोड से करंट निकल करके कैथोड की तरफ जा रहा है और अंदर कैथोड से एनोड। तो इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, कल KVL से मैंने बता दिया था कि कितना होता बेटा टर्मिनल वोल्टेज, जल्दी बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? E-IR, यस E-IR, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। समझ रहे हैं बात को? यानी अब आपको याद रखना चाहिए बेटा कि अगर ये कोई सेल है, इसके करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट ये निकल रहा है, सप्लाई दे रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज E-IR, दिस इज़ वेरी यूजफुल फार्मूला। और आप ध्यान दीजिए, अगर आप देख रहे हैं ठीक से तो टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ई, यानी आप अगर बोलते हैं कि ये 10 वोल्ट का सेल है, लेकिन जैसे ही इसमें ये करंट भेजेगा, है ना, ये करंट सप्लाई देगा लोड रजिस्टर को, तो पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं मिलेगा बल्कि 9 वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट से कम मिलेगा। देखिए वी लेस देन ई, इसीलिए मैंने बोला था कि आप दुकान से लेके आते हैं कि 2 वोल्ट का सेल लेके आए, 1 वोल्ट का सेल लेके आए, तो 1 वोल्ट इज़ द EMF। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उससे आप बल्ब जलाएंगे, तो आपको 1 वोल्ट का ये सेल 0.9 वोल्ट देगा, 0.8 वोल्ट देगा। तो आपने सोचा कि हम तो 1 वोल्ट का सेल लेके आए, लेकिन जब भी इस्तेमाल होगा ना, तो ड्यू टू इंटरनेस्टेंस द टर्मिनल पोटेंशियल विल बी लेस देन द EMF। तो ये कल मैंने यहाँ तक बता दिया था बेटा, V लेस देन E आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ तक बताया था, इसके नीचे V लेस देन E लिख लीजिएगा। इस केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है, ठीक है ना? ठीक, अब आइए देखिए बेटा, मान लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पर बेटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर चार्जिंग ऑफ अ सेल पढ़ रहे हैं। चार्जिंग ऑफ अ सेल क्या चीज़ है? जैसे क्या होता है बेटा, हम लोग सेल को चार्ज भी तो करते हैं, हम लोग सेल को चार्ज भी तो करते हैं, है ना? या किसी सर्किट में सेल को करंट जाएगा, सेल नहीं करंट भेजेगा, सेल को करंट मिल जाएगा। जैसे देखिए, बिल्कुल आराम से समझिएगा, कुछ नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई सेल है, इसका EMF E, इंटरनेस्टेंस R, ये सेल है, ठीक है भाई? चलो भाई ये सेल है, घबराना नहीं है, मैं इधर ही हूँ। तो ये सेल है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है? अब मान लीजिए बेटा हम कोई यहाँ पर चार्जिंग सर्किट ले लेते हैं, जिसे हम चार्जर कहेंगे, है ना? चार्जिंग सर्किट, है ना, चार्जिंग सर्किट, बिल्कुल आराम से समझिएगा, चार्जिंग सर्किट बेटा, ये चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। यूँ कह लीजिए कि अनदर सेल है जो इससे स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग सेल है, ऐसा समझिए स्ट्रॉन्ग सेल है।
जैसे चार्जिंग सर्किट कह लीजिए, चार्जर कह लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग सेल कह लीजिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है। अब यहाँ पर बेटा वैसे तो होता है कि अगर मैं कोई लोड रजिस्टर, पंखा जोड़ दूँ या बल्ब जोड़ दूँ तो करंट एनोड से निकल के कैथोड और फिर अंदर कैथोड से एनोड, इनसाइड द सेल करंट कैथोड से एनोड। बट इस केस में ये चार्जिंग सर्किट स्ट्रॉन्ग वोल्ट का, इससे ज़्यादा वोल्ट इसका है, तो ये करंट भेजेगा सेल को। ये देखिए सेल में करंट जो है एनोड से कैथोड जा रहा और आउटसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आप मेरी बात समझिए, ये एनोड है और ये कैथोड है, आप मेरी बात समझिए। कभी भी चार्जिंग अगर होता है बेटा, ये दिस इज द केस ऑफ द चार्जिंग सर्किट, यहाँ ये सेल चार्ज हो रहा है बेटा, उल्टा ये करंट नहीं भेज रहा, करंट इसको भेजा जा रहा, करंट इसको दिया जा रहा है। ऐसा करने का मतलब ये चार्ज करना होता है। हम सेल को चार्ज करते हैं ना, जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी लगा होता है उसको हम चार्ज भी तो करते हैं इन्वर्टर की मदद से। तो चार्जिंग में करंट उल्टा फ्लो होता है। आपको याद रखना है कि जब किसी सेल को चार्ज करते हैं तो आउटसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो पहले तो ये चार्जिंग सर्किट होता बेटा, इसमें सेल चार्ज हो रहा बेटा। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका चार्जर, चार्जिंग सर्किट का वोल्टेज भी है, तो जितना वोल्टेज है उतना ही इतने टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज। अगर ये आइडियल सेल होता, इंटरेक्शन जीरो होता, तो चाहे करंट ये भेजे या करंट इसको मिले, हमेशा टर्मिनल वोल्टेज ई रहता। लेकिन यहाँ चूंकि इंटरनेशन है, अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ये निकालना हमें टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लोग ऐसे करके ये KVL अप्लाई करते बेटा, ऐसे यहाँ एक रजिस्टर है तो IR लिखेंगे, इसका EMF इधर है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो माइनस में लिखेंगे माइनस ई। और बेटा इसे एक सेल की तरह सपोज कर लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड, वी वोल्ट का सेल इधर है, ईएमएफ भी इधर है, तो इसका मतलब ये प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में वी, तो टर्मिनल वोल्टेज जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज, जैसे वी 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 जीरो 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 जीरो, जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही वोल्टेज यहाँ, तो वी बराबर हो गया ई प्लस आई आर। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो यहाँ पर बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हमसे क्वेश्चन कहेगा कि क्या टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल मे बी ग्रेटर देन ईएमएफ। लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। लेस देन कब होगा, जब करंट सप्लाई देगा सेल, यानी सेल डिस्चार्ज हो रहा, करंट सप्लाई दे रहा है, उस केस में वी जो होगा टर्मिनल वोल्टेज वो ईएमएफ से छोटा आएगा, वी लेस देन ई। बट अगर मान लीजिए कोई सेल है वो करंट एक्सेप्ट कर रहा, करंट उसको मिल रहा है, करंट मिलने का ना एनोड से सप्लाई देता है, यहाँ एनोड से अंदर जा रहा है करंट, दिस इज द चार्जिंग, इस केस में देखिए ई प्लस आई आर होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के बेटा अगर कहीं थ्योरेटिकल सवाल मिल जाए कि क्या टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब करंट नहीं सप्लाई होगा, उस समय वी इक्वल टू ई होगा। तो कुल मिलाकर के बेटा आप यहाँ पर ये चीज़ सीख गए, अब आप बहुत साफ साफ चीज़ों को याद रखो, है ना, बहुत साफ साफ चीज़ों को याद रख लो। अगर कभी आप ऐसा डायग्राम देखो कि ये जो है सेल है, इसका ये में ई इंटरेस्टेंस आर, अगर करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड से निकल रहा हो, ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो तुरंत आपको टर्मिनल वोल्टेज लिखना चाहिए ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, करंट इसके एनोड से निकल रहा है और बाहर सप्लाई दे रहा है। अगर आपको करंट ऐसे देखिए ये में पी इंटरेस्टेंस आर, अगर करंट एनोड से एंटर कर रहा है, यहाँ करंट एनोड से बाहर निकल रहा है, यहाँ करंट एनोड से अंदर जा रहा है, ये जो है देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से निकल रहा है तो ई माइनस आई आर, और यहाँ से एंटर हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज आपको लिखना है ई प्लस आई आर। और अगर सेल से कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं फ्लो रहा है, ओपन टर्मिनल है, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ। तो बेटा ये चीज़ आपको याद रख लेना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम साफ साफ बात बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है,
ठीक, ये समझ में आ गया कहानी, कब ई माइनस आई आर होगा, कब ई प्लस या आई आर होगा, कब टर्मिनल वोल्टेज जो है ईएमएफ से छोटा होगा, कब बड़ा होगा, ये बिल्कुल क्लियरली कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। समझ में आई बात? और सुनिए, और सुनिए, बिल्कुल आराम से सुनते रहिए। अब ध्यान से सुनिए, बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ बेटा। अब जैसे देखिए, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे बोले शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सेल, अगर आपसे कभी बोलता है कि शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सेल, किसी सेल का शॉर्ट सर्किटिंग, अगर ये कहीं पर लाइन मिल जाए न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में कहीं पर भी। देखिए, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है जैसे ये सेल है ना, इसका ई एम एफ ई इंटरेस्टेंस आर, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, घबराना नहीं बेटा। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देना जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, यानी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देना जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। देखिए, ऐसे करके करंट फ्लो होगा, ऐसे मान लीजिए आई करंट फ्लो रहा है, तो अगर मैं केवीएल लगाऊं बेटा तो रेजिस्टेंस यहां है, तो आई इंटू आर बराबर ईएमएफ और ईएमएफ ई। तो शॉर्ट सर्किटिंग, जैसे आप कभी इन्वर्टर के साथ जो बैटरी जोड़ा होता है उसको एक तार से दोनों को जोड़ दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग। जो एनोड और कैथोड वाला निकला रहता है ना, उसको अपने तार से जोड़ दीजिए, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग। उस केस में जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो होगा ई अपॉन आर, ई एम एफ अपॉन इंटरेस्टेंस, उतना ही करंट फ्लो करेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट फ्लो करेगा, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्टेंस छोटा होता है, तो ये छोटा और ये बड़ा है, तो ये पूरा रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो करंट बहुत बड़ा अमाउंट का जाता है। कभी आप गलती से वो जो एनोड कैथोड जो बैटरी लगा होता है इन्वर्टर के साथ में, वो बैटरी से तार जोड़िएगा ना, बहुत तेज चिंगारी फेंकेगा, दैट इज बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, बहुत तेज हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर बेटा करंट ये, अगर मान लीजिए इस केस में टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए कि भैया बताइए दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज अगर पूछा जाए कि शॉर्ट सर्किट कर दिए टर्मिनल वोल्टेज, है ना, टर्मिनल वोल्टेज बताइए, तो V बराबर होता है E माइनस आई आर, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो E माइनस आई आर लिखेंगे, चूँकि E और आई आर इक्वल है तो टर्मिनल वोल्टेज इज ज़ीरो। इस समय बेटा टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। अगर मान लीजिए सेल आइडियल हो, फॉर आइडियल सेल, अगर आइडियल सेल हो गया बेटा तो आई विल बी इन्फिनिटी। अगर आपसे कभी बोले कि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया आइडियल सेल का, तो आइडियल सेल में आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ जीरो रखिएगा तो क्या होगा, आई विल बी इन्फिनिटी। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सेल की कहानी ये बेटा। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है कि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में कंडक्टिंग वायर जोड़ देना जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। और कितना करंट जाएगा हमारे सामने, टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा, आइडियल सेल है तो करंट इन्फाइनाइट मारेंगे आंसर। थ्योरी अगर क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनने लगेगा, क्वेश्चन भी करेंगे, जम के सवाल करेंगे, परेशान मत हो। और देखो फिर ध्यान दो बेटा, बिल्कुल ध्यान दो, बहुत आराम से सुनना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया इफिशियंसी ऑफ अ सेल, इफिशियंसी ऑफ अ सेल, सेल की इफिशियंसी, देखिए बेटा इफिशियंसी क्या चीज है ना, इफिशियंसी क्या चीज है इसको समझिए। जैसे आप अगर आप ध्यान से सुनिए कि इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी को हम लोग ईटा से लिखते हैं, ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर समझ लो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर ऐसे समझ लो, इनटू 100 अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो। अब आप ये सोचिए बेटा इफिशियंसी ऑफ ए सेल हमें समझना है, तो दिमाग लगाइए,
तो दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको फील करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा ये एनोड है, ये एनोड प्लेट है और ये कैथोड प्लेट है। बहुत आराम से सुनना, सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, करंट ऐसे ये सप्लाई दे रहा है सेल लोड रजिस्टर को। तो बेसिकली बेटा इफिशियंसी ऑफ अ सेल का मतलब क्या होता है, सेल की इफिशियंसी का अर्थ क्या होता है, हमें यह समझना बेटा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो करंट यहाँ पर फ्लो करता है लोड रजिस्टर से, ये जो करंट फ्लो करता है लोड रजिस्टर से, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये जो करंट फ्लो करता है इस लोड रजिस्टर से, क्या यहाँ से यहाँ तक में सेल कोई काम करता है? नहीं। सेल को काम कहाँ पे करना होता है, जैसे 1 कूलम चार्ज अपने आप हाई से लो फ्लो होता है, लेकिन सेल को यहाँ पर काम करना पड़ता है कैथोड से एनोड तक ले जाने में। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कैसे जाता है बेटा? अपने आप तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो फिर जाएगा कैसे ये? तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी इसको खींच के यहाँ से यहाँ तक लाता है ना? समझ में आ रही बात? तो आप एक बात समझो बेटा, जब यहाँ से यहाँ खींच के लाता है तो कौन लेके आता है? केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है, वही इसको खींच के लेके जाता है। अब आप सोचो अगर कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई आयन ना टकराए, तो यहाँ से यहाँ तक खींच कर ले जाने में जो एनर्जी होगा 1 कूलम चार्ज पे, उसे हम बोलते हैं EMF। तो दिस इज कॉल्ड द इनपुट एनर्जी। अगर वो उससे कहेगा इनपुट एनर्जी, एनर्जी इनपुट, तो हम बोलेंगे इनपुट एनर्जी इज Q into E। अगर मुझे पावर चाहिए बेटा, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम इज करेंट, चार्ज अपॉन टाइम एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, एंड चार्ज अपॉन टाइम अगेन पावर, सॉरी करेंट। तो इसीलिए इनपुट पावर इज रिटेन एज I into E। अगर इफ आई करेंट इज फ्लोइंग, देन I into E इज द इनपुट एनर्जी, की केमिकल एनर्जी जो मिला वो I into E है। अब यूज कैसे कर रहा है? क्योंकि जब ये चल रहा है बेटा, तो देर इज सम इंटरनल स्ट्रेस, टकराने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है रजिस्टर के क्रॉस, जो वोल्टेज मिल रहा है ना, जो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर, वो तो हम देख रहे हैं कि 10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन यूटिलाइज कितना हो रहा है? 8 रुपया, क्योंकि 2 रुपये लॉस हो जा रहे हैं ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेस। केमिकल रिएक्शन से 10 जूल एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 10 जूल नहीं हो पाता, 8 जूल वर्क होता है, 2 जूल टकराने की वजह से हीट के रूप में लॉस होता है। तो आउटपुट जो मिलेगा बेटा वो I into V मिलेगा। व्हाट इज V? V इज द टर्मिनल पोटेंशियल, एंड व्हाट इज E? इज द EMF। सो द इफिशियंसी ऑफ अ सेल इज आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज I into V अपॉन I into E into 100। आई से आई कट गया। तो कभी भी बेटा इफिशियंसी अगर हमें सॉल्व करने को कहेगा, तो आपको सॉल्व करना है टर्मिनल वोल्टेज अपॉन E into 100। दिस इज द इफिशियंसी व्हेन अ सेल सप्लाइज द करंट टू द लोड रजिस्टर। जब ये सेल लोड रजिस्टर को करंट सप्लाई देगा, उस समय इफिशियंसी पूछा जाएगा। तो V अपॉन E इंटू 100, टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो, EMF से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो हमें इफिशियंसी परसेंटेज में निकल जाएगा। कभी अगर घुमा के सवाल कहेगा बेटा कि अच्छा बताइए, जैसे अगर कभी घुमा के एक सवाल कहेगा, चलिए मैं एक सवाल करता हूँ ठीक। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। मान लीजिए बेटा मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा, बेटा बहुत आराम से समझना, सपोज दैट एक सेल सपोज कर लो, चलो इसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ठीक है, ऐसे ठीक, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और मान लीजिए ये 4 ओम से लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अब उससे कहेगा फाइंड, देखिए फाइंड, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट करंट इन द लूप, सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, ये पूछा। सेकंड टर्मिनल वोल्टेज, ये पूछा। थर्ड
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑफ केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का कंजम्पशन, थर्ड हीट एनर्जी, लास्ट इफिशियंसी। अब बेटा इतने सारे क्वेश्चन हैं, अब ये क्वेश्चन का जवाब अगर आप समझ गए और आपने नोट्स में लिखा फिर रफ में इसको रिवाइज किया प्रॉपरली आप समझ गए फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले करंट, करंट निकाल लें तो आई करंट यहाँ से सपोज दैट ऐसे निकला, आई करंट ऐसे करके ऐसे चला, करंट निकालने के लिए केवीएल लगा लो, ठीक है, केवीएल ऐसे साइकिल बना दिया, आई इंटू फोर प्लस आई इंटू वन इक्वल टू ई एम एफ फाइव, करंट इज इक्वल टू फाइव अपॉन फाइव वन एम्पियर। आप बेटा करंट डायरेक्टली भी कर सकते हैं ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस फाइव अपॉन फाइव वन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये तो हुआ पहले का आंसर। दूसरे का आंसर टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, या तो आई आर कर लो या फिर ई माइनस आई आर कर लो, यहाँ से देखोगे तो करंट एनोड से निकल रहा ई माइनस आई आर, या जो वोल्टेज है वही वोल्टेज है आई इंटू फोर कर लो, चलो यहाँ से कर लेते हैं तो आई इंटू फोर, आई की वैल्यू वन यानी फोर वोल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज इज फोर वोल्ट। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल, केमिकल इनर्जी किस रेट से कंज्यूम होगा, यानी बेटा केमिकल इनर्जी निकलेगी और वो कंज्यूम होने लगेगा, केमिकल इनर्जी कब कंज्यूम होगा, जब करंट ऐसे फ्लो रहा है तो कैथोड से एनोड, अंदर किधर फ्लो होता है चार्ज बेटा, कैथोड से एनोड, करंट अंदर कैथोड से एनोड, तो ये रिपल्शन के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाता है तो वहीं पर केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। और रेट पूछ रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, तो पावर अगर कह रहा बेटा तो आई इंटू ई करेंगे, क्योंकि एनर्जी क्यू इंटू वी और टाइम से डिवाइड करोगे तो आई इंटू ई हो जाएगा, या ई एम एफ लेंगे क्योंकि केमिकल एनर्जी जो है, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ उसमें ई एम एफ आएगा, आई इंटू ई, आई की वैल्यू वन, ई एम एफ कितना फाइव, तो हम बोलेंगे फाइव वॉट से कंज्यूम होगा। फिर आइए उसके बाद क्या बेटा, हीट एनर्जी, तो इसे आप इनपुट की तरह समझिए, इसे आउटपुट की तरह समझिए, इसे इनपुट की तरह समझिए, आउटपुट कितना होगा आई इंटू वी। आप ऐसे सोचो ना बेटा, दिमाग लगाओ कि पांच हीट एनर्जी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी लिख लो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी हीट एनर्जी किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप ये समझो 5 वॉट तो एनर्जी इसको मिला और टर्मिनल वोल्टेज कितना 4 वोल्ट, तो आउटपुट पहले निकाल लो आई इंटू वी से, आई ए वन 4 वॉट, यानी 4 वॉट समझो कि पावर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में खर्च हुआ, 5 रुपया मिला, 4 रुपया ले जाने में खर्च हुआ, तो 1 रुपया क्या हुआ हीट के रूप में लॉस हुआ। तो अगर मुझसे कहेगा रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो 1 वॉट देंगे, 5 माइनस 4 घटाएंगे 1 वॉट, 1 वॉट यानी 1 जूल पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस होगा। एंड द लास्ट इज इफिशियंसी, और इफिशियंसी वेरी सिंपल, ये मिटा दे रहा हूँ बेटा इधर की साइड, इफिशियंसी इज वेरी सिंपल, तो इफिशियंसी कितना होगा बेटा, इफिशियंसी वेरी सिंपल, बताया ना इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, बताओ बेटा इफिशियंसी होता आउटपुट यानी 4, इनपुट यानी 5 इंटू 100 यानी 20 इंटू 4 80%, 80% इज द इफिशियंसी। तो देखिए मैंने आपको कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करा बेटा, इसको समझो ध्यान से, बहुत क्लियर वर्ड्स में इसे समझो,
ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। तो हमारे पास ये कहानी था बेटा, पहले तो मैंने आपको सेल का कंसेप्ट पढ़ाया, ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ लेंगे तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ें। देखिए ध्यान से, ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ें। देखो बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बहुत आराम से सीखना, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल की ग्रुपिंग, सेल ग्रुपिंग बेटा ये इंपॉर्टेंट है। जब हम सेल को ग्रुप करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, तो हमें बैटरी मिलता है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जो सेल का ग्रुप कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी इज व्हाट? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब यहां पर बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले पढ़ना है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग क्या है? बहुत आराम से सीखना बेटा, सेल की सीरीज ग्रुपिंग। सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहला है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में जैसे देखिए, ये सेल है, इसका ये ईएमएफई इंटरनेशनल आर। तो देखिए इसका पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, अगले सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, तो ये सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है बेटा। इसका भी ईएमएफई इंटरनेशनल आर, ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे, इसके नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर इसके नेगेटिव से अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जुड़ता चला गया। यहाँ पर बेटा मैंने बहुत सारे सेल सीरीज में लगाए, मान लीजिए एन आइडेंटिकल सेल्स मैंने सीरीज में लगाए, एन आइडेंटिकल सेल्स मैंने इन आइडेंटिकल सेल्स लिया और सीरीज में लगा दिया। आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ? सबका ईएमएफ और इंटरनेशनल इक्वल है बेटा। अब यहां पर ये टर्मिनल है ग्रुपिंग का, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। अब मैंने यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया बहुत आराम से, जिसे हम बोलते हैं लोड रजिस्टर। बहुत आराम से सुनना बेटा, जैसे कनेक्शन कंप्लीट होगा करेंट फ्लो होगा, करेंट फ्लो होगा, ऐसे करेंट फ्लो होगा। अब हमें करना क्या है यहां पे, यहां पे पढ़ना क्या है भैया? हम ये पता करना चाहते हैं कि बहुत सारे सेल अगर सीरीज में जोड़ दें, सब एक जैसे सेल सीरीज में जोड़ दें, तो टोटल ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा इस ग्रुपिंग का। यानी बेटा आप इसको ऐसे फील करो कि इन सभी को हटा के एक सेल लगाना है, बिल्कुल आराम से समझना, उस सेल का ईएमएफ इक्विवेलेंट और इंटरनेशनल आर इक्विवेलेंट, और वही रजिस्टर लगाना है सो दैट सेम अमाउंट ऑफ करंट ये सप्लाई दे। यानी जो लोड रजिस्टर है उससे उतना ही करंट सप्लाई हो जितना अकेला ये, जितना ये लोग मिलकर भेज रहा है उतना अकेला उतना ही करंट भेजे। यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट ये अकेला सेल है, ये लोग मिलके जितना रजिस्टर को करंट भेज रहा है लोड रेजिस्टेंस को, उतना ये सब हटा करके एक लगा दो। इसके ईएमएफ को ई इक्विवेलेंट नाम दे दिया, इंटर रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर बेटा लोड रेजिस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टर। तो हम बोलते हैं इन सभी का वो अकेला एक इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इन सभी की जगह पे जो ये सब मिलके काम कर रहे हैं अकेला वो उतना ही काम कर दे रहा है, सो इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। चलिए बेटा इसमें चलिए देखते हैं केवीएल लगाते हैं। तो अच्छा एक चीज और, इसमें अगर केवीएल लगाओगे तो आई बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ? आई बराबर आएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ भाई? आप याद रखो करंट बराबर होगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर और आर इक्विवेलेंट सीरीज में जाएगा तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट, या केवीएल लगा लो बात एक ही है। चलो अब यहां केवीएल लगाओ बेटा, यहां क्या होगा? आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर, एन आई आर होगा, क्योंकि आई इंटू आर, आई इंटू आर आर एन बार लिखोगे तो एन आई आर बराबर टोटल ये सब का ईएमएफ नेगेटिव टू पॉजिटिव साइकिल की डायरेक्शन में सब ऐड हो जाएगा, तो एन ई होगा। तो आई बराबर क्या होगा बेटा? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर।
अगर आप देखो तो ये इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कैपिटल आर से आई करंट यहाँ भी जा रहा है, इसी रजिस्टर आर से उतना ही करंट जा रहा है, तो तभी तो इन दोनों को हटा के इन सभी को हटा करके एक अकेला लगाया तो इसे इक्विवेलेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये सेम अमाउंट ऑफ करंट भेज रहा है, क्योंकि ये सेम अमाउंट ऑफ करंट भेज रहा है। साथ साथ बोलो क्या भेज रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट भेज रहा है। सो इस सेल को हम बोलेंगे इन सभी का इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करना है, इसका इक्विवेलेंट इंटरनेशनल सॉल्व करना है, तो क्यों ना बेटा इन दोनों को कंपेयर करें, आई से आई अपॉन में कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट की जगह कितना रहा एनआर और इक्विवेलेंट ईएमएफ की जगह कितना रहनी। सो इट इज क्लियर। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर कहेगा तो एन ई, देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ कहेगा तो एन ई और आर इक्विवेलेंट कहेगा तो एन आर, एन आर। देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया बेटा कि अगर सीरीज में अगर एन आइडेंटिकल सेल्स, और देखिए सीरीज में कनेक्शन कैसे है, नेगेटिव से आगे वाले का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से जुड़ा हुआ है और सभी सेल एक जैसे हैं तो सीधा करना है एन ई और आर इक्विवेलेंट भी एन आर। बहुत ही सिंपल है बेटा, इसको ध्यान से समझो, इसे लिखो नोट्स कॉपी में, लिखो रफ में, दो बार तीन बार लिखो, क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप इसको लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, दो तीन बार परफेक्ट हो जाएंगे कि मैंने क्या बोला, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं इसी सीरीज ग्रुपिंग में जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सीरीज ग्रुपिंग में ज़रूरी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए अगर कभी हमसे क्वेश्चन कहेगा कि ये सेल है, दो सेल है, मान लीजिए इसका ई एम एफ ई वन इंटरनेशनल आर वन, इसका ईएमएफ ई टू इंटरनेशनल आर टू, अगर मुझसे कहेगा कि चलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ बताइए, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सिंपली देखेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है कनेक्शन, दोनों ईएमएफ जोड़ देंगे ई वन प्लस ई टू हो जाएगा। देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ ई वन प्लस ई टू हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कहेगा, आर इक्विवेलेंट कहेगा तो दोनों को सोचेंगे, दो रजिस्टर सीरीज में है बेटा, सीरीज में क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अभी आइडेंटिकल था ना, अब ये अलग अलग हैं, डिफरेंट सेल हैं, दो हो या तीन हो एडिशन करते चले जाओ। अब जैसे सुनो बेटा, बहुत आराम से सुनना, ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान से मेरी बात समझो। अब देखो जैसे अगर मान लो कहानी ये बने कि ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ईएमएफ ई वन इंटरनेशनल आर वन, अब की बार ऐसे जुड़ा बेटा इसके नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसके नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ गया, जबकि सीरीज ग्रुपिंग में क्या होना चाहिए था, इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव जुड़ना चाहिए, हम बोलेंगे रॉन्गली कनेक्ट है ये, एक सेल उल्टा जुड़ गया है, गलत जुड़ गया है। अब मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ कहेगा तो मैं ये देखूंगा कि बड़ा कौन है, ई1 बड़ा है तो ई1 माइनस ई2, ई2 बड़ा है तो ई2 माइनस ई1, अगर ई1 माइनस ई2 करें तो ये ले लो मॉड ले लो, और ध्यान रखो बेटा अगर ये बड़ा है तो इन दोनों को हटा के जो एक सेल लगाओगे जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह इस साइड होगा, अगर ये बड़ा है तो पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड होगा, सिंपल कहानी है। और आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंटरनेशनल को इससे मतलब ही नहीं, आर1 प्लस आर2, R1 प्लस R2 सीधा सीधा, समझो बात को, बहुत सिंपल करा रहा हूं, और सुनो और सुनो, घबराओ नहीं, सीरीज ग्रुपिंग में ही बात हो रही है बेटा, सीरीज ग्रुपिंग में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, घबराना नहीं बिल्कुल। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये सेल है, बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, सबका ई एम एफ ई इंटरनेशनल आर, ई एम एफ ई इंटरनेशनल आर, ई एम एफ ई इंटरनेशनल आर, अब आपसे बोला एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज इन विच, In which M cells are wrongly connected, wrongly यानी गलत जुड़ गया बेटा, एक आध गलत जोड़ दे, चलो इसको गलत जोड़ देते हैं ऐसे,
रॉन्गली कनेक्टेड, यानी बेटा एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एन आइडेंटिकल सेल जुड़ा हुआ है सीरीज में, लेकिन इनमें एम सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, तो मुझसे कहेगा इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करो, मुझसे बोलेगा इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करो। अब मैं क्या करूं भाई, क्या करूं बताओ बेटा, दिमाग लगाओ, मुझसे ये पूछा गया है, मैं क्या करूं, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं, मुझसे ये पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बहुत सिंपल सी बात मुझे समझाओ। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि चार सेल है, उसमें एक सेल गलत जोड़ दिया, 1 2 3 4, अब ये ई ई ई ई, तो ऐसे समझो बेटा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कहेगा तो हम क्या करेंगे, तीन लोगों को जोड़ेंगे और एक को घटा देंगे चूंकि वो गलत जुड़ा हुआ है, ऐसे ही करेंगे ना। तो देखो एक गलत एक सही को मार देगा तो बचेगा कितना, 2e, एक गलत एक सही को मार देगा, निपटा डालेगा। उसी तरह बेटा एन सही है, एन आइडेंटिकल सेल जिसमें एम गलत है, तो सोचो एम गलत है, जितने गलत है उतने सही निपट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सोचो कितने गलत है, एम गलत है। अब इसमें बोलेंगे आपके सर इसमें चार लोग हैं जिसमें एक गलत है, तो बोलेंगे एक गलत एक सही को खत्म कर देगा, तो दो लोग खत्म हो गए, एक सही वाला और एक गलत वाला, बचा दो ही। उसी तरह बेटा एन आइडेंटिकल सेल है जिसमें कितने गलत है, जल्दी बताओ, एम गलत है, एम गलत एम सही को निपटा डालेगा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा एन माइनस टू एम इंटू ई। सोचो एन था जिसमें कि एम गलत है, तो जितने गलत है उतने सही खत्म हो जाएंगे। अब जैसे मैं बोलूं 10 सेल है जिसमें कि दो गलत है, 2 रॉन्ग है, तो बताओ कितना होगा ईएमएफ, तो बोलेंगे 2 रॉन्ग 2 सही को मार डालेगा, तो 2 रॉन्ग 2 सही खत्म हो गए, 4 खत्म हो गए ना, तो 10 में से 4 खत्म हो, तो 6, तो 6 सेल का ईएमएफ दिखेगा 6e। आ रहा समझ में? और अगर आर इक्विवेलेंट कहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उल्टा हो या सीधा हो उससे कोई मतलब तो है नहीं, इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस कहेगा तो सिंपली जोड़ देंगे, यानी एन आर आर प्लस आर प्लस आर एन बार, तो एन आर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर इस पे क्वेश्चन आ गया बेटा तो आपको क्लियर होना चाहिए, और ये एक बार में नहीं आएगा, आप नोट्स में लिखेंगे, फिर रफ में उसे फील करके लिखेंगे, है ना, उसे सोच सोच के लिखेंगे, एक दो बार और लिखेंगे, बस प्रैक्टिस, परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। फिर सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना बेटा जो मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली क्या करना है आपको बेटा, जैसे इसको ना दिमाग में रखना, जैसे कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में हम काम करेंगे, इसे न्यूमेरिकल बनाने में झट से काम कर लेंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए बेटा, आप सोच के देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन दूं आपको कि ये सेल है E1 इंटरेस्टेंस R1, ये रजिस्टर है, फिर ये 2R है, फिर एक सेल यहाँ पर लगा है ना, EMF E2 और R2, अगर मुझसे कहेगा फाइंड करंट इन दिस सर्किट, है ना, करंट सॉल्व करो इस सर्किट में, करंट सॉल्व करो, आप क्या करेंगे, आप KVL लगाएंगे, आपको मैंने पहले भी बताया है, जोड़ बड़ा वोल्ट है, मान लो ये बड़ा है तो यहाँ से करंट निकालेंगे, ये बड़ा है तो यहाँ से करंट निकालेंगे, ऐसे ही बनाते थे ना। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से भी बना सकते हैं, अगर आपने सेल का कंसेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनेगा। अब आप KVL से तो बना सकते थे, KVL में हमने आपको बताया है, बड़े सेल से मले मान लीजिए बड़ा वोल्ट है, आई करंट फिर KVL लगा लीजिए, ये तो हमने आपको बताया भी। आप करंट ऐसे भी बता सकते हैं बेटा कि देखिए जो भी करंट जाएगा वो ऐसे करके ऐसे जाएगा, या इधर से जाएगा ऐसे करके से, इसे समझेंगे दो सेल सीरीज में, तो आप ऐसे समझिए करंट बराबर होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो बोलेंगे सर इसके प्लस से इधर प्लस जुड़ा हुआ है, सर रॉन्गली कनेक्टेड है, सीरीज में जैसे प्लस से माइनस जुड़ना चाहिए, सर ये रॉन्गली कनेक्टेड है, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से इधर नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटा, अगर ई1 बड़ा तो ई1 माइनस ई2, E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1, अगर ये बड़ा है तो करंट ऐसे भेजेंगे, अगर ये बड़ा है तो करंट ऐसे भेजेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 माइनस E2 और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस जोड़ दिए सर्किट का, R स्मॉल R1 2R स्मॉल R2 सब जोड़ दीजिए, R और 2R 3R हो गया, तो 3R प्लस R1 प्लस R2। क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का,
क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का, केवीएल से भी बनी रहा उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे बना लेंगे तो थोड़ा और कम समय बचेगा, हम जल्दी से क्वेश्चन को बना लेंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया। अब जैसे सुनिए बेटा, बहुत आराम से सुनिए। अभी देखिए सीरीज ग्रुपिंग ही चल रहा है, सीरीज ग्रुपिंग में कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अब जैसे मान लीजिए सीरीज ग्रुपिंग में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कभी मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए बेटा सीरीज ग्रुपिंग में ये सेल ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे सेल लगे हुए हैं ना सीरीज ग्रुपिंग में, सब आइडेंटिकल सेल है थोड़ी देर के लिए मान लो। अब ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है। अब यहाँ पे लोड रजिस्टर जोड़ने के बजाय आपने इसको एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये ईएमएफ इंटरेस्टेंस आर, ये ईएमएफ इंटरेस्टेंस आर, ये ईएमएफ इंटरेस्टेंस आर, ये ईएमएफ इंटरेस्टेंस आर, सर्किट कंप्लीट है, करंट सप्लाई होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, करंट फ्लो रहा है। केवीएल से करंट सॉल्व कर लीजिए, या आपको अभी पता चल गया करंट आप केवीएल से सॉल्व कीजिए, या करंट बराबर इक्विवेलेंट ईएमएफ, सभी ईएमएफ जोड़ देंगे एक ही साइड है सब, माइनस प्लस ऐसे, तो एन ई हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस है नहीं, आर 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 एन आर हो गया। करंट कितना जाएगा डायरेक्ट हम निकाल लेंगे ई बाई आर, या तो आप केवीएल लगाइए या आप कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा देखिए। इसीलिए मैंने बोला सेल पढ़िए, सेल पढ़िएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से बनाइएगा क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल अप्रोच आपका अलग हो जाएगा, फिर आप बहुत जल्दी बनाने लगेंगे। अब करंट ई बाई आर हो गया। अब अगर मुझसे कहेगा यार किसी भी एक सेल के टर्मिनल वोल्टेज सॉल्व करें, अब ये टर्मिनल वोल्टेज, ये सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज, कोई भी एक सेल, टर्मिनल पोटेंशियल अबाउट एनी वन सेल, तो ठीक है भाई टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस एनी वन सेल, चलिए ये निकाल लेते हैं ई माइनस आई आर। ई माइनस आई आर होता क्यों होता बेटा, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो ई माइनस आई आर होगा, ई प्लस आई आर नहीं, ई माइनस आई आर। अब अगर आप ई माइनस आई की वैल्यू ई बाई आर इंटू स्मॉल आर रखते हैं तो आर से आर कैंसिल, ई माइनस आई जीरो, यानी टर्मिनल पोटेंशियल जीरो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट करते ही यहाँ पर किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जैसे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन ऐसे बोलेगा ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये वही है ना बेटा, भैया दोनों को ऐसे जोड़ के तार छोटा करके ऐसे मोड़ दो, ऐसे ही डायग्राम बन गया। अब अगर कभी भी आपको शॉर्ट सर्किटिंग दिखाई दे, कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल लोड रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया, डायरेक्ट आपस में टर्मिनल जोड़ दिए गए हैं, अगर मुझसे यहाँ का है सब प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, कभी भी कहे यार इसमें टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा, कभी डायग्राम ऐसे कंफ्यूज करेगा, ऐसे बना देगा आपको कंफ्यूज कर देगा, ऐसे बना देगा। अब मुझे बताओ ऐसे बना देगा, ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन बना दे और क्वेश्चन में कह दे, सिंपली क्वेश्चन कह दे यार करंट निकालो, तो क्या करेंगे, आई बराबर ई बाई आर करेंगे, बोलेगा यार किसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज निकालो, तो क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। मतलब यहाँ पर का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, ये क्या होगा, जीरो, यहाँ क्या होगा, जीरो, यहाँ क्या होगा, जीरो। अगर आपको क्वेश्चन बोल देगा कि यहाँ ए पॉइंट और यहाँ बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताते, यार बोलेंगे यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर कोई रजिस्टर यहाँ कनेक्ट कर दे, बोलेगा कितना करंट जाएगा, तो फिर भी बोलेंगे जीरो। बोलेंगे क्यों सर, जितना पोटेंशियल ये उतना ही पोटेंशियल ये, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज जीरो। अगर मान लो यहाँ पर मैं बोल दूँ एक रजिस्टर ऐसे जोड़ दूँ और केवल ये क्वेश्चन दे दूँ बेटा कि बताइए इस रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, तो बोलेंगे जीरो, करंट इधर इधर फ्लो करेगा, इधर नहीं फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जीरो है भाई, जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका, उतना ही पोटेंशियल इसका, जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, रजिस्टर से करंट क्या होगा, जीरो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट को अगर थ्योरी नहीं रहेगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो वो क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको बेटा ऐसे कभी सेल घुमा करके ऐसे दिया गया है ना, अब ये रेजिस्टेंस हटा देते हैं, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको। अब अगर कभी भी ऐसे करके घुमा के बोले प्लस माइनस ऐसे क्लोज लूप बना दे, केवल सेल जुड़ाओ, कोई अदर रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं हो, तो आपको बोलना है कि करंट इज ई बाई आर एंड टर्मिनल वोल्टेज जीरो। तो आ गई बात समझ में, आज मैंने आपको सीरीज ग्रुपिंग पढ़ा दिया बेटा, ठीक है, और कल मैं आपको पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।